आप बताइए ओवर टूल कहां पे हम यूज करते हैं, कहां से निकलता है ओवर टूल, कहां पे है? नहीं पता। अच्छा नहीं, आपको तो पता ही है, बात तो यही। आप बताएंगे ओवर टूल कहां से, कहां पे है ओवर टूल हमारे यहां? सर जैसे अंदर छुपा हुआ है शेप को खोलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड गुड। इसका मतलब है आप ध्यान दीजिए, जो शेप है हमारे शेप के अंदर ओवर टूल है, कैसे आएगा वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है? फाइल को सेव करना भी सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि कमांड क्या होती है? कमांड एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसके द्वारा आप कमांड के उपयोग से कंप्यूटर को चला सकते हैं। क्या है कमांड? इसका मतलब है एक शॉर्टकट तरीका है, जल्दी से आप जो है कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और आप कंप्यूटर को चलाते हैं उससे। इसका मतलब है कि कमांड, अभी से पहले रखो इसको, थोड़ा पहले अंदर से पहले रखो, यहाँ पे कमांड के बारे में, कमांड की बात कर रहे हैं। तो कमांड का मतलब वही है कि जो एक इंस्ट्रक्शन देनी है हमको, या जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो कंप्यूटर उसी तरह से काम करता है। अभी कमांड हम कहाँ से देते हैं? हम कमांड देते हैं अपने सारे कीबोर्ड से। अब हम इस समय माउस की बात नहीं कर रहे हैं, माउस के उपयोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड के उपयोग की। तो जो हमारी इस तरह की कमांड है, स्पेशल कमांड है, वो सारी हमारी स्पेशल कमांड जो है वो कीबोर्ड से आती है। चलिए, के उपयोग से कंप्यूटर को चला सकते हैं। क्या आप जानते हैं अंडू कमांड का उपयोग क्यों करते हैं? आप बता सकते हैं भाई, जल्दी बताइए थोड़ा सा, अंडू कमांड का उपयोग क्यों करते हैं, बताएं कुछ, बताइए। किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे हमको, क्योंकि हम सब लोगों को कुछ चीजें पता है, लेकिन जो भी बच्चे हैं, जो आप क्लास में बच्चे हैं, उस स्थिति में उन लोगों को नहीं पता होगा अंडू क्या है, ये सब चीजें क्या है। तो यहाँ पे शायद सबके पास में ये आंसर आएगा, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। तो हमें बताना है कि अंडू कमांड का क्या मतलब है। चलिए आगे चलिए। अंडू कमांड से आप एमएस पेंट की फाइल में ड्रॉइंग करते समय कोई गलतियों को सही कर सकते हैं। क्या जानते, क्या मतलब हुआ? अगर आप एमएस पेंट खोले हुए हैं और एमएस पेंट में काम कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई, आप उसको हटा सकते हैं या मिटा सकते हैं बहुत आसानी से, ये डायरेक्ट कमांड है। अंडू कमांड का मतलब है कि किसी काम किए गए काम को दोबारा से हटा देना या उसको अंडू करना। जैसे आपने कोई किताब खोली, हमने कहा अंडू कर दी, ये तो आपने किताब बंद कर दी, तो एक अंडू हो गया, जो आपने काम किया उसका विपरीत हो गया। तो ऐसे जो हमने एमएस पेंट में जो हमने फाइल बनाई थी, अगर हम उसमें कोई भी चीज को अंडू कर देते हैं तो वो चीज वहां से हट जाती है, या कोई आपकी बनाई हुई गलती जो है वो छुप जाती है, खत्म हो जाती है। जानते हैं अंडू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? अंडू की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जेड होती है। अब शॉर्टकट कमांड क्या है आपकी, क्या मतलब है? अगर आप देखिए कि आपके जो आपने आपके सामने वो रखा है कीबोर्ड रखा है, इसमें ये देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, ये कंट्रोल कहाँ है और जेड कहाँ है, जरा बताएंगे कंट्रोल और जेड, जरा देखेंगे आप कहाँ कहाँ लिखा है। कंट्रोल और जेड देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, सबने देख लिया कहाँ कहाँ लिखा है? अर्थात अगर हम कंट्रोल और जेड को एक साथ मिला देंगे तो वो चीज, वो कमांड जो है अंडू कमांड कहलाती है। अगर हम उन दोनों को मिलाएंगे तो अंडू कमांड कहलाएगी। आइए वीडियो को देखकर अंडू कमांड का उपयोग करना सीखें। सबसे अब हम इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो देखिए और उसके बाद में आप अपने उस पे सब आ जाइए और धीरे धीरे वीडियो के साथ साथ करके आप इसको शुरू कीजिएगा, ठीक है? चलिए, पहले आप लाइट टूल को सिलेक्ट करें, उसके बाद अब हमें जाना है एमएस पेंट में ही, एमएस पेंट में जाके ही ये सारे हमें काम करने हैं जो हम सीख चुके हैं। हम लाइन टूल का भी उपयोग कर चुके हैं, हम इस रेक्टेंगल का भी उपयोग कर चुके हैं, कलर का भी उपयोग कर चुके हैं, सब उपयोग कर चुके हैं। अब हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि किसी किए गए काम को किस तरह से अंडू किया जाता है। तो ये जैसे जैसे वीडियो है, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। अपने कर्सर को सीट पर लेके आए और तीन लाइन खींचे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। पहली लाइन खींची आपने कर्सर से अपने से,
ये आपने दूसरी लाइन खींची अपने कर्सर से और ये तीसरी लाइन खींची। अब आप ये तीनों लाइनें आपने अपने कर्सर से खींच ली सबने। अब जरा खींची तीनों लाइन आपकी तीनों लाइन शुरू कीजिए प्रैक्टिस। नहीं ये सब पहले जो पुराना है सारा हटा दीजिए, ये पुराना सब हटा दीजिए पहले, इसको हटाइए क्लास के रूल को फॉलो कीजिए जो सर कह रहे हैं। तीनों लाइनों को हटा दी सब क्लियर कीजिए, अपनी शीट को पहले क्लियर कर लीजिए। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सर के पढ़ाने के तरीकों को देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं ये। हो गई सर की लाइनें पूरी तीनों श्योर आपको ठीक कोई दिक्कत आप देखिए आपकी लाइन है क्या आप रेड लाइन से लेके चल रहे हैं रेड लाइन कलर आप कलर ब्लैक ही लीजिए ठीक है। जो आप लेना है बिल्कुल सेम कलर में लेके चलिए ब्लैक कलर भी अप्लाई लीजिए डिफरेंट कलर मत लीजिए कोई भी उसमें कहीं ना कहीं फिर मुश्किल आ जाती है। अब हमने तीन लाइनें कर ली हैं, अब हमें पहली कमांड का अपना को उपयोग करना है अंडू। हमें कैसे करना है अब इसको देखिए वीडियो में। तभी कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और राइट हैंड की एक फिंगर से जेड के बटन को एक बार दबा दें। अब देखिए अब आगे सामने एक कंट्रोल का कंट्रोल बटन दबाइए और जेड को दोनों बटन को एक साथ दबाइए तो क्या आपको क्या मिलेगा आपको अब आप कंट्रोल और ये आपने हटाएंगे ये नहीं हटा रहे आपको हटा दीजिए क्यों नहीं हटा रहा बताइए कैसे हटा रहे हैं। अब आपने जो लाइनें ली हैं आप आपने देखा है कि आपकी जो क्या तीनों लाइनें साफ हो जा रही है एक लाइन साफ हो रही है तीनों लाइनें नहीं साफ हो रही कीजिए एक ही साफ होगी जिसकी कमांड ली है आपने पहले जो लेटेस्ट कमांड है वो चली जाएगी। एक चीज आप जब कंट्रोल और जेड के बटन को दबा के रखेंगे और उसको वैसे ही दबाए रखेंगे तो आपकी तीनों लाइन अप्लाई एक साथ ही। आपको क्या करना है कंट्रोल को दबा के रखना है लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से और फिर राइट हैंड के एक फिंगर से एक बार दबा दीजिए जेड को तो आपकी एक लाइन जाएगी। फिर दोनों हाथ हटा लीजिए फिर आप कंट्रोल दबाइए और जेड को एक बार दबाइए फिर आपकी दूसरी लाइन कट जाएगी। एक बार सर को प्रैक्टिकली दिखाओ सर बताएंगे एक्सप्लेन करेंगे उसको बेनिफिट ओपन कर लो चल इनका सर का बोल रहा है तो ये पॉइंट आ गया ना क्लियर।